क्या आपको पता है कि आप ग्लाइडर और सरबोट की मदद से एक साथ उड़ सकते हैं, और आप लोग बोट को जो नाव होती है उसे आप पानी में कैसे चला सकते हैं, और साथ में आपको इसमें ये भी पता चलेगी कि अगर आप यार रिवाइव दे रहे हो और अगर आप उठ बैठ करते हो तो रिवाइव खत्म हो जाती है, मतलब कैंसिल हो जाती है। तो गाइस यार कैसे आप रिवाइव देते हुए उठ बैठ कर सकते हो, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपको सभी चीज़ों को परफॉर्म करनी है। इससे पहले हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ में बगल वाली बेल के घंटे को दबाकर उसे ऑल पे सेट कर देना ताकि आने वाले फर्दर वीडियो आपको मिलता रहे। तो गाइस यार लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो यार बहुत ही कम लोग जानते हैं, लगभग यार 0.01% लोग जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो गाइस यार सबसे पहला हमारा जो ट्रिक है उसमें आपको एक व्हीकल चाहिए होगा और इसे आपको सिंपल ले जानी होगी पानी में। तो गाइस यार ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको इस वीडियो में पता चलेगी जिससे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाली है। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो गाइस यार सबसे पहले अगर मान लेते कि आपका जो व्हीकल है वो गाड़ी में फंस गया तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल अपनी फ़ोन की डेटा को ऑफ करना होगा और उसके बाद पिन को 999+ होने का वेट करना होगा, और गाइस उसके बाद आपको सिंपल अपने डेटा को ऑन कर लेना है दोबारा से। ऐसा करने पे क्या होगा गाइस, जो आपकी व्हीकल है वो एकदम बाहर हो जाएगी। तो मे बी अगर आप व्हीकल से घूमते हो, अगर आपका व्हीकल गलती से पानी में चला गया या फंस गया तो आप ऐसा कोई ट्रिक ट्राई करके उसे आप बाहर निकाल सकते हो। तो गाइस यार यहाँ पे देखो मैं पानी में उतर चुका हूँ और यहाँ पे मैंने करा क्या, मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो व्हीकल कहाँ चली गई, उस साइड चली गई है व्हीकल। तो एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, मैं फिर से इसे पानी में ले जाऊँगा और फिर से आप लोगों के लिए करके दिखाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला ही कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो यार वीडियो को लास्ट तक जोर से देखना। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस वीडियो में दोनों मैप्स का यूज करा गया, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों मैप मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो गाइस यार ऐसा नहीं है कि अगर एक मैप का ट्रिक है तो दूसरे मैप में वर्क नहीं करेगी, दोनों ही मैप में दोनों ट्रिक वर्क करेगी, मतलब सारे जो ट्रिक्स है वो दोनों ही मैप में वर्क करने वाले हैं। तो इस बार मैं टुक टुक ले गया हूँ और ये बरमूदा मैप में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को करके। तो फिर से देख लो टुक टुक पानी में आ चुकी है और इससे मुझे बाहर निकालना है। तो गाइस यार इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल ड्राइव के बटन पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद सिंपल आपको डेटा को ऑफ कर लेनी होगी। जैसे आप डेटा ऑफ करते हो आपका पिंग ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो कहां तक जाना है यार, 999+ होने का वेट करना है। जैसे ही 999+ पिंग हो जाती है आपको दोबारा से डेटा को ऑन कर लेनी है, उसके बाद आपको सिंपल गेट आउट के बटन पे कंटिन्यूसली टैप करते रहना है। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इस पानी के अंडरग्राउंड कैसे हो सकते हैं, मतलब पानी में चल कैसे चल सकते हैं, तो अगर आपको इसकी बग चाहिए दोनों ही मैप के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 2000 लाइक, तो आप लोग यार 2000 लाइक इस वीडियो पे अगर कंप्लीट कर देते हो तो मैं आपको दोनों ही मैप के बारे में बताऊंगा कि आप दोनों ही मैप में पानी के अंदर कैसे चल सकते हैं। तो यार आपने देखा कि कैसे टुक टुक पानी से बाहर निकल गई है, और कोई भी व्हीकल पे आप ये ट्राई करो, सभी व्हीकल पे वर्क करती है। आपको मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ, आपको क्या करना, पानी के अंदर व्हीकल को ले आना है, उसके बाद सिंपल आपको क्या करना, ड्राइव के बटन पर क्लिक करना और सिंपल आपको डेटा को ऑफ करनी है, ऑन करनी है। यार मैं ड्राइव के बटन की जगह पे मैं बैठ गया था, तो मैं फिर से ड्राइव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने डेटा को ऑफ करा है। 999+ पिंग होने का वेट कर रहा हूँ और हो चुका है 999+ पिंग, और उसके बाद सिंपल आपको डेटा को ऑन कर लेनी है उसी टाइम, और गेट आउट के बटन पे कंटिन्यूसली टैप करते रहना है। जैसे ही आप ऐसा करते रहोगे आपका व्हीकल फिर से पानी से बाहर निकल जाएगा, या फिर कहीं भी अगर फंसा रहेगा तो उसे वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नेट कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि मेरा व्हीकल बाहर निकल चुका है। तो कैसे लगे आपको ये ट्रिक, जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम लोग चलते हैं यार दूसरी ट्रिक की तरफ। तो यार मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे ट्रिक की तरफ, और इसमें आपको एक चाहिए होगा ग्लाइडर और एक चाहिए होगा सरबोट। उसके बाद आपको कुछ ऐसा पोज करना होगा, आपको एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के अंदर जाना होगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक दूसरे के अंदर जैसे ही गया, उसके बाद अगर आप मूव करते हो तो आपका जो टीममेट होगा वो भी आपके साथ ही मूव करेगा। देख सकते हो गाइस कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो अपने आप खिसका चला रहा है, तो जब तक वो सरबोट को ऑफ नहीं करेगा वो ऐसा ही मूवमेंट होते रहेगा। तो अब यार इस ट्रिक की मेन चीज़ दिखाते हैं।
तो गाइस यार, इस ट्रिक के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। तो ये ट्रिक तो सबसे पहले आप सोलो में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डुओ या स्क्वाड खेलना होगा। उसके बाद आपको एक ग्लाइडर चाहिए होगा और एक इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड चाहिए होगा। तो गाइस यार, ऐसा कुछ पोज बना लेना है और जिसके पास भी इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड है एक दूसरे के अंदर सिंपल घुस जानी है, और जिसके पास भी इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड है उसे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्फबोर्ड को ऑन कर लेनी है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग एक दूसरे के अंदर एकदम प्रॉपर ढंग से घुस चुके हैं। कभी कभी यार थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो अगर जितना अच्छा से आप करोगे उतना अच्छा ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मेरा जो दोस्त था, जो टीममेट था, वो ग्लाइडर की मदद से उड़ा, मैं भी उसके साथ साथ उड़ने लगा था। तो मैं फिर से उसे बोल रहा हूँ उड़ने के लिए, और यहाँ पे फिर से उड़ने लगा वो। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि मैं उसके साथ साथ कैसे उड़ रहा हूँ ग्लाइडर और सर्फबोर्ड की मदद से। तो गाइस यार, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो कोई नहीं गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि मैं आपको इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको फ्री फायर में मास्टर बना देगा, एकदम लीजेंड प्लेयर बना देगा। तो गाइस यार, सबसे पहले तो मैं बता दूं आप इस पत्थर के अंदर घुस सकते हो, कैसे घुसना है तो मैं इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि मैं इस पत्थर के अंदर आ चुका हूँ, तो कैसे आपको ये ट्रिक करना है। तो चलते गाइस मेन ट्रिक की तरफ। तो गाइस यार, इस वीडियो की ड्यूरेशन कम से कम करने के चक्कर में मैं आप लोगों को ओपी वाला अपना गेम प्ले नहीं दिखा सका। बहुत ही ओपी गेम प्ले फाइट हुई थी अभी इस दौरान ट्रिक ट्राई करने के दौरान। तो आपको इसके लिए एक व्हीकल चाहिए होगा, और आपको व्हीकल में बैठना है और अपने टीममेट को ड्राइव करने के बोलना है। इसके बाद इस पत्थर पर जाना है, और जैसे पत्थर के करीब आता है व्हीकल, आपके टीममेट को बोलना है कि व्हीकल से उतर जाए। पत्थर से पहले ही अगर वो पत्थर में आके उतरता है, मतलब सटा देता है गाड़ी को, उसके बाद अगर उतरता है तो वो टकरा जाएगा व्हीकल, मतलब व्हीकल पत्थर से टकरा जाएगा। पर गाइस अगर वो पहले ही उतर जाता, मैं फिर से आप लोगों को दिखाता। तो यार हम लोग एक बार फिर से आप लोगों को ट्रिक को करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हीकल को ले जानी है, अपने दोस्त को सिंपल उतरने को बोलना है, और जैसे आपका दोस्त पत्थर से थोड़ा सा पहले उतरेगा आप इस पत्थर के अंदर चले आओगे। तो गाइस यार, कैसे लगी आपको ट्रिक? और एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक और बहुत ही अमेजिंग इस पत्थर का ट्रिक है, तो उसके तरफ भी चलते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप रिवाइव करते हुए अप डाउन करने की कोशिश करते हो तो रिवाइव कैंसिल हो जाती है। आप लोगों ने भी फ्री फायर खेला है और ये आप लोगों को भी पता है कि आप रिवाइव करते हुए अप डाउन नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप यार ओपन एरिया में रिवाइव दे रहे हो अपने टीममेट को, और इससे आपका जो एनिमी है वो आपको आराम से हेड मार सकता है, आपको हेड ले सकता है। तो गाइस यार, इस ट्रिक के बाद आप लोग यार रिवाइव करते हुए भी अप डाउन कर पाओगे। तो कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो भाई लोग, मैं बता दूं आपको इस ट्रिक के लिए एक इमोट चाहिए होगा, कोई सा भी इमोट चल सकता है। पर गाइस मैं कुछ इमोट सजेस्ट करता हूं जिससे आपका जो अप डाउन मूवमेंट है वो ज्यादा अच्छे से होगा, प्रॉपर ढंग से होगा। तो ये इमोट का क्या लोचा है मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा। फिलहाल चलते हैं इमोट सेक्शन पे, और कैसे वाली इमोट सबसे बेस्ट रहेगी इसके बारे में बताते हैं। तो गाइस यार, अगर आपके पास ज्यादा बेटर इमोट नहीं, ज्यादा इमोट्स नहीं है, तो आप कोई सा भी सेट कर लो। अगर आपके पास बहुत सारे इमोट है तो आप कोई ऐसा इमोट सेट करो जिससे आपका प्लेयर बैठता है या डाउन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि इसका हेड का मूवमेंट कितना ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए इमोट जिससे कि आपका हेड का मूवमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इस इमोट में देखो गाइस कि बहुत ज्यादा हेड का मूवमेंट है। यहाँ पे मेरे पास बैक फ्लिप वाली भी है, पर बैक फ्लिप में थोड़ा सा लेट होता है। ऐसा इमोट जो बहुत जल्दी हेड को नीचे करता है, वैसा कुछ इमोट है, तो आप लोग सेट कर लो इमोट को। उसके बाद आपको क्या करना है इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने जो भी इमोट सेट कर लिया जो अप डाउन मूवमेंट ज़्यादा अच्छा देता है, वो इमोट को सेट करके सिंपल आ जाइए टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप ऐसा कुछ उठ बैठ करते हो तो ये कैंसिल हो जाती है, और ओपन एरिया में उठ बैठ मतलब नहीं करोगे तो एनमी आपको डायरेक्ट हेड ले सकता है। तो ऐसे में क्या करना होगा, तो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ऐसा करके आप अपनी हेड के मूवमेंट को बरकरार रख सकते हो और वो आपको कुछ हिट भी नहीं कर पाएगा। तो गाइस यार, इसके लिए क्या करना होगा, आपको रिवाइव देते टाइम इमोट को मारना है। अगर आप रिवाइव देते हुए इमोट को मारते हो तो आपका हेड मूवमेंट बना रहेगा, और इससे एनिमी आपको हेड बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा, यहाँ तक कि गोली भी वो आपको पे नहीं चला पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं फिर से मार रहा हूँ, और मैं बैक फ्लिप वाला मारा था, और यहाँ पे मैं दूसरा मूवमेंट मार रहा हूँ। तो बैक फ्लिप वाला है तो उससे तो बहुत ही बेटर हो जाएगी, उससे आपको गोली भी नहीं लगेगी यार। अगर आपकी बॉडी पे भी गोली मारता है तो बैक फ्लिप करते हो तो कुछ गोलियाँ जो होगी वो आप
से मिस हो जाएगी, आपके बॉडी से मिस हो जाएगी और आप डाउन भी नहीं हो पाओगे और अपने प्लेयर को आप खुले स्थान पर आराम से रिवाइव दे पाओगे। तो आपको कैसी ये ट्रिक लगी जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो ट्रिक को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप रिवाइव देते हुए इमोट मार के और मेडिकेट भी ले सकते हो गाइस। तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मुझे वीडियो को अभी ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि यार लोग लंबे लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते, उन्हें यार शॉर्ट वीडियो चाहिए। तो अगर आप लोग यार लंबे लंबे वीडियो देख सकते हो तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए और लंबे लंबे वीडियो डालूंगा और अच्छे से बॉक्स लाऊंगा। तो अभी हम लोग यार नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप लोग यार फ्री फायर में बोट को ड्राइव कर सकते हो। मैंने यार ट्रिक को ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में सेव कर रखा है, तो जैसे ही आप लोग यार इस वीडियो पे 2K लाइक कंप्लीट करा दोगे मैं उस ट्रिक को पब्लिश कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो गाइस यार आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानना है कि फ्री फायर में कैसे बोट को ड्राइव करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली बेल के घंटे को दबाकर उसे ऑल पे सेट करें। रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है गाइस, रिकॉर्ड करके मैंने रखा हुआ है, बस आप लोगों के लिए पब्लिश करना है। तो यार आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताना कि आप लोग यार लंबी लंबी वीडियो देख सकते हो या नहीं, या आप लोगों को शॉर्ट वीडियो ही देखनी है, तो यह बात कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, साथ में हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं दे रहा हूँ यार 2K लाइक्स, तो 2K लाइक्स जैसे ही कंप्लीट हो गए तो उसके बाद हम लोग यार मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे बोट को ड्राइव करते फ्री फायर में, मतलब बोट को कैसे चलाते हैं उसका ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके फ्रेंड लोग भी ये ट्रिक एंजॉय कर पाए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।